Very good morning students, I am your maths teacher and today I will teach you maths of class 3 and today we continue chapter 7 money and today we do exercise 7.5 and 7.6. So first we do exercise 7.5. Now see in the book, this is your maths book, maths of class 3. Now open exercise 7.5. See in this book, this is exercise 7.5 and page number 61. Now see A part, divide the following. यहाँ पे ये नंबर्स दिए हुए हैं, इन नंबर्स को हमें 10, 100, 1000 से डिवाइड करना है. बच्चों किसी भी नंबर को, ये नंबर हमारे रुपीज़ में है, अगर हम रुपीज़ भी हटा देते हैं तो ये हमारे सिर्फ सिंपल नंबर बन जाएंगे. हम किसी भी नंबर को 10, 100, 1000 से डिवाइड करते हैं वो बहुत ही इजी होता है. देखो किस तरह से करेंगे. नाउ सी इन दिस नोटबुक, एक्सरसाइज 7.5 का ए पार्ट. देखिए ये मैंने फर्स्ट क्वेश्चन आपके बुक में जो लिखा हुआ है मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, रुपीज 86 को डिवाइड करना है 10 से. तो देखिए कुछ नहीं करना है हमें, जो भी यहाँ पे रुपीज लिखा हुआ है पहले हम यही रुपीज यहाँ पर फिर से लिखेंगे, रुपीज 86. अब बच्चों देखो ये 10 से डिवाइड करना, 10 में कितने जीरो हैं, 1. तो हम यहाँ से पीछे से 1 डिजिट काउंट करेंगे, 1, और फिर यहाँ पर ये पॉइंट लगा देंगे, ये हमारा आंसर आ गया. इसी तरह से इसे देखिए, पहले आप इस नंबर को लिखिए रुपीज़, लिखा हुआ है मैंने 98. अब 10 में जीरो कितने हैं, 1. तो हम यहाँ से 1 डिजिट गिनेंगे, 1, फिर यहाँ पॉइंट, मैंने पीछे से गिनना शुरू करेंगे तो 1, फिर यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, तो ये हमारा आंसर आ गया. अब इसमें देखिए पहले आप ये लिखेंगे रुपीज़ 256. अब देखो फिर से हमें 10 से डिवाइड करना है, तो ज़ीरो कितने हैं, 1. तो हम यहाँ से 1 डिजिट काउंट करेंगे, 1, तो यहाँ पॉइंट, मतलब 1 डिजिट के बाद यहाँ पर हमें पॉइंट लगाना है. आप इस नंबर को देखिए, पहले हम इसी नंबर को यहाँ पर लिखेंगे रुपीज़ 456. अब किससे डिवाइड करना है बच्चों, 100 से. 100 में ज़ीरो कितने हैं, 1, 2. तो हम यहाँ से पीछे से 2 डिजिट काउंट करेंगे, 1, 2. अब यहाँ पॉइंट लगा देंगे हम 2 डिजिट के बाद, मतलब हमें पीछे से चलना शुरू करना है इधर की तरफ, यानी कि राइट से लेफ्ट की तरफ. अब इसमें देखिए फिर से हम इसी नंबर को लिखेंगे रुपीज़ 1536. इसे हमें डिवाइड करना है 100 से. देखो ज़ीरो कितने हैं, 1, 2. तो हम यहाँ से पीछे से 2 डिजिट काउंट करेंगे, 1, 2, और यहाँ पॉइंट लग जाएगा, ये हमारा आंसर हो गया. बिना डिवाइड किए ही हमारा आंसर आ गया. इसी तरह से आप इस नंबर में देखिए, ये 7 क्वेश्चन है, मैंने बीच में से लिया हुआ है. अब देखिए ये नंबर लिखेंगे पहले हम रुपीज़ 9856. अब हमें किसे डिवाइड करना है, 1000 से. इसमें हम ज़ीरो काउंट करते हैं, कितने हैं, 1, 2, 3 ज़ीरो हैं. तो हम यहाँ से 3 डिजिट काउंट करेंगे, 1, 2, 3. अब यहाँ पॉइंट लगा देंगे हम. तो बच्चों आपको समझ में आया, जितने ज़ीरो यहाँ होते हैं 1 के पीछे उतने ही डिजिट हम काउंट करके यहाँ पर पॉइंट लगा देते हैं, तो ये हमारा आंसर बन गया. तो बाकी के जो क्वेश्चन दिए हुए हैं देखिए आप बुक में, 1 to 12, ये सभी इसी तरह से हैं सेम. तो इसी तरह से आपको ये सभी क्वेश्चंस आपको अपनी नोटबुक में करने हैं, कोई भी क्वेश्चन आपको लेफ्ट नहीं करना है. ओके, नाउ सी बी पार्ट, डिवाइड दी फॉलोइंग. अब देखो ये रुपीज़ हैं, इन्हें हमें डिवाइड करना है 5 से. अब देखिए इनको किस तरह से करेंगे, मैं आपको सिखाती हूँ.
देखिए बी पार्ट डिवाइड करना है हमें। ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपका रुपीज 550.40 यानी 40 है ये डिवाइडेड बाय 5। इसको देखो मैंने यहाँ पर लिख लिया, ये 5 हम बाहर लिखेंगे और ये नंबर हम अंदर। अब हम यहाँ पर जब हम डिवाइड करेंगे बच्चों तो ये रुपीज़ हम नहीं लिखेंगे। अब देखिए आप इन सबको छुपा दीजिए सिवा हम एक नंबर देखेंगे 5। 5 का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे बच्चों, 5 आएगा, 5 × 5 वन टाइम, तो हम यहाँ पर 1 लिखेंगे और 5 के नीचे 5। हम ये नंबर बच्चों यहाँ भी लिख सकते हैं और इसके ऊपर भी लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब माइनस कर देते हैं, 5 में से 5 माइनस करेंगे 0। आप इस 5 को यहाँ पे एरो बनाएंगे और हम यहाँ लिख लेंगे। अब फिर से हमें 5 का टेबल पढ़ना है, 5 लाने के लिए कितनी बार पढ़ेंगे, 1 टाइम, 5 × 5 तो फिर 1 लिखेंगे, इसके नीचे 5 माइनस, ये 0 हो गया। अब इस 0 को नीचे लिखेंगे। अब 5 का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे बच्चे, 0 लाने के लिए 0, तो यहाँ 0 लिख देंगे। अब ये 4 हम यहाँ लिखेंगे नीचे, लेकिन बच्चों 4 से पहले क्या है, डेसिमल, ये तो हम यहाँ नहीं लिखेंगे, इसे हम लिखेंगे यहाँ, इसको हम यहाँ लिखेंगे, फिर 4 और 4 नीचे। अब 5 के टेबल में 4 आता है, नहीं आता, तो यहाँ हम 0 लिख देते हैं। अब इस 0 को यहाँ लिख लेंगे नीचे, अब बन गया ये 40। 5 का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे 40 के लिए, 8, तो यहाँ आ जाएगा 8, 5 × 8 = 40, 0 0, ये पूरा 0 हो गया, तो आंसर क्या आया, ये आ गया। अब लास्ट में हम आंसर लिखेंगे रुपीज़ 110.08, ये हमारा आंसर है। जब हम इनको डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आएगा हमारा। इसी तरह से देखिए क्वेश्चन नंबर 2, इसे हम इस तरह से लिख लेंगे, 8 हम बाहर लिखेंगे और ये नंबर हम अंदर। अब देखिए सब हम छुपा देंगे, सिर्फ एक नंबर देखेंगे 8। 8 का टेबल कितने टाइम्स पढ़ेंगे, 8 लाने के लिए 8 × 8, तो यहाँ 1 और 8 के नीचे 8 माइनस 0। अब ये 2 एरो बनाया, यहाँ 8 के टेबल में 2 आता है, नहीं आता, तो यहाँ 0 लगा देंगे। अब 4 को हम नीचे लिखेंगे, ये बन गया 24। अब 8 के टेबल में 24 आता है, 8 × 3 = 24, तो हम यहाँ 3 लिखेंगे और इसके नीचे 24, 0 0। अब ये पॉइंट हम यहाँ लगा देंगे और ये जो 7 है ये हम नीचे लिखेंगे। अब देखिए 8 के टेबल में 7 आता है, नहीं आता, तो हम यहाँ 0 लिखेंगे और ये 2 फिर से हम यहाँ नीचे लिखेंगे, ये बन गया 72। अब 8 का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे 72 लाने के लिए, 8 × 9 = 72, हम माइनस कर देंगे 0, तो ये क्या आया आंसर, तो यहाँ लिखेंगे आंसर इज इक्वल्स टू रुपीज़ 0.09, ये हमारा आंसर होगा। तो हम इसे डिवाइड करेंगे तो ये हमें आंसर मिलेगा। तो इसी तरह से बच्चों आपको सेम बाकी के जो क्वेश्चंस हैं आपके बी पार्ट में 1 to 12, ये सभी क्वेश्चंस आपको अपनी नोटबुक में इसी तरह डिवाइड करने हैं। ओके नाउ सी एक्सरसाइज 7.6। एक्सरसाइज 7.6 क्वेश्चन नंबर 1, शिवम बॉट अ पेंसिल फॉर रुपीज दिस। शिवम ने एक पेंसिल इतने रुपीज की खरीदी, एक पेन इतने रुपीज का और इरेजर इतने रुपीज की, तो हाउ मच अमाउंट डिड ही स्पेंड इन ऑल, तो उसने टोटल अमाउंट कितना खर्च कर दिया, स्पेंड करने में कितना खर्च कर दिया, तो क्या करेंगे बच्चे इन सभी को प्लस। तो देखिए इस तरह से करेंगे क्वेश्चन नंबर 1, सबसे पहले आप लिखेंगे
क्वेश्चन नंबर वन, कॉस्ट ऑफ अ पेंसिल इज इक्वल टू दिस वन, कॉस्ट ऑफ अ पेन दिस वन, कॉस्ट ऑफ एन इरेजर दिस वन, टोटल अमाउंट ही स्पेंड इक्वल, देखो इक्वल के नीचे इक्वल लिखना है, रुपीज़ के नीचे रुपीज़, और पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना है बच्चों आपको, और पॉइंट से लेफ्ट साइड में ये वंस के नीचे वंस, और ये टेंस है यहाँ पे नहीं है, इसी तरह से पॉइंट से राइट साइड में फर्स्ट डिजिट के नीचे फर्स्ट डिजिट और ये सेकंड डिजिट, अब इनको सभी को हम क्या कर देंगे प्लस, तो देखो जब हम इन सबको प्लस करेंगे तो पॉइंट के नीचे पॉइंट आ जाएगा, इन्हें प्लस करेंगे तो ज़ीरो, कैरी आ गया 17, पॉइंट के बाद देखो ज़ीरो है तो हम सिर्फ रुपीज़ 17 लिखेंगे, देयरफोर टोटल अमाउंट ही स्पेंड इन ऑल इज इक्वल टू रुपीज़ 17, यानी कि उसने शिवम ने ये सामान खरीदने में कितने रुपीज़ खर्च कर दिए, 70 रुपीज़। नाउ सी क्वेश्चन नंबर टू, द कॉस्ट ऑफ अ फुटबॉल इज रुपीज़ दिस वन एंड दैट ऑफ अ क्रिकेट बैट इज दिस वन, क्योंकि एक फुटबॉल की कॉस्ट इतनी है और क्रिकेट बैट की कॉस्ट इतनी है, तो विच इज़ मोर कॉस्टलियर, तो इन दोनों में से कौन सी कॉस्टलियर है यानी महंगी है, एंड बाय हाउ मच, और कितनी ज़्यादा महंगी है, तो बच्चों जिसका रुपीज ज़्यादा होगा वही महंगी होगी, तो देखो ये 68 है और ये 98, तो क्रिकेट बैट कॉस्टली है यानी कॉस्टलियर है क्योंकि ये इसका रुपीस ज़्यादा है, अब कितनी कॉस्टलियर है तो हम इसमें से इसको माइनस करेंगे, देखो इस तरह से करेंगे। क्वेश्चन नंबर टू, सबसे पहले आप लिखोगे कॉस्ट ऑफ अ फुटबॉल इज इक्वल टू दिस वन, कॉस्ट ऑफ अ क्रिकेट बैट इज इक्वल टू दिस वन, अब देखो यहाँ पे ये ज़्यादा है तो 98.15 इज ग्रेटर देन रुपीज 68.60, यानी कि ये रुपीज़ हमारे ग्रेटर है, तो ये किसका है बैट का, तो बैट महंगी हो गई, अब कितनी महंगी है वो हम पीछे लिखेंगे, तो क्रिकेट बैट इज मोर कॉस्टलियर बाय के बाद अब हम इनको माइनस कर देंगे तो आ जाएगा रुपीज़ 29.55, यानी 29 रुपीज़ और 55 पैसे, तो आंसर इज रुपीज़ 29.55, इतने रुपीज़ वो महंगी है। नाउ सी क्वेश्चन नंबर थर्ड, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 8 बुक्स इफ द कॉस्ट ऑफ 1 बुक इज रुपीज 65.25, 1 बुक बच्चों इतने रुपीज़ की आती है 65 रुपीज़ और 25 पैसे की, तो हमारी 8 बुक्स कितनी आएंगी, मतलब कितने रुपीज़ की आएंगी, बहुत ज़्यादा की आएंगी, तो हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखो इस तरह से आप करोगे इस क्वेश्चन को, सबसे पहले आप लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 1 बुक इज इक्वल टू दिस, एंड कॉस्ट ऑफ 8 बुक्स इज इक्वल टू रुपीज़, अब पहले हम ये लिखेंगे इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे 8 से, अब इसका मल्टीप्लाई देखो मैंने यहाँ पे किया हुआ है, इस तरह से आप करोगे तो पॉइंट के पास 0 है तो 522, सिर्फ हम यही नंबर लिखेंगे, देखो ये नंबर पहले हम यहाँ लिख लेंगे, फिर आप आंसर में लिखोगे देयरफोर कॉस्ट ऑफ 8 बुक्स इज इक्वल टू रुपीज़ 522, अब पॉइंट के पास 0 है इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, छोड़ देंगे हम, तो इतने रुपीज़ की आएंगी, सो दिस इज द आंसर। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 4, द कॉस्ट ऑफ अ टेबल फैन इज रुपीज़ 840.76, एक टेबल फैन इतने रुपीज़ का आता है तो हमें 9 टेबल फैन कितने रुपीज़ के आएंगे, तो किस तरह से हम इनको फाइंड करेंगे, इसको हम 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो देखिए इस तरह से करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, सबसे पहले हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 1 फैन इज इक्वल टू दिस वन, जो रुपीज़ दिया हुआ है वो हम यहाँ लिखेंगे, एंड कॉस्ट ऑफ 9 फैंस निकालना है,
तो रुपीज़, पहले हम ये नंबर लिखेंगे